हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल डिजिटल टेक्निकल में एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों आज आपको बताने जा रहा हूँ कि पिछले साल HDFC और भी बैंक का जो बहुत सा हल्ला हुआ था कि उसमें जो बैंक में है उस पर मोहर लगा रहता था कि अगर बैंक का दिवालिया या बैंक बंद हो जाता है तो आपको 1,00,000 रुपये ही मिलेंगे। यहाँ दोस्तों मतलब आपके खाते में जितने भी पैसे हैं लेकिन सिर्फ 1,00,000 मिलेंगे। PMC बैंक जो है, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक जो है बंद हो गया। ये 3 स्टेट में काम कर बैंक था, ये आपको 3 स्टेट में बैंक बंद हो गया। कुछ मतलब दिवालिया निकल गया, बहुत ज्यादा लोन बांट चुका था तो वो जो पैसा जितने लोगों का था उसमें सब डूब गया। मतलब डूब गया ऐसा तो कुछ लोग डेड भी कर गए, इसका सदमा लग गया कि उनका जितना पूंजी थी कमाई हुई सब डूब गई। तो अभी जो हमारा 2020 में 1 फरवरी को बजट आया है, इसमें एक हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया कि अब जो है बैंक का दिवालिया निकलता है तो आपको 5,00,000 रुपये मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1,00,000 हटा के 5,00,000 कर दिया गया है। और ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस चीज पर ध्यान दिया गया कि मतलब पहले लोग बैंक से भी डरने लगे थे पैसा रखने से कि कब किस बैंक का दिवालिया निकल जाए, कब बंद हो जाए और आपका पैसा डूब जाए। तो हमारी वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने बहुत अच्छे सोचा है कि अब जो है 5,00,000 मिलेगा। ऐसे तो कोई बैंक जल्दी दिवालिया नहीं होता। आप मतलब जो ज्यादा बड़ा बड़ा बैंक है उसी में बैलेंस रखिए, जो छोटे मोटे बैंक है नए खुले हैं उस पर ध्यान न दीजिए, जो अच्छा बैंक है उसी में खाता खोलिए और उसमें बैलेंस रखिए। और बेहतर होगा कि आपके घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5ों के अकाउंट में डालिए, यानी कि सिर्फ अपने अकाउंट में डालिएगा, 5ों के अकाउंट में डालिएगा। तो अगर इनकेस कभी कोई बैंक का दिवालिया निकलता भी है तो अगर मान लीजिए आपके खाते में 5,00,000 है तो वो 5,00,000 मिल जाएंगे। अगर आप एक ही खाता में 10,00,000-20,00,000 रखे हैं और वो बैंक का दिवालिया निकलता है तो सिर्फ आपको 5,00,000 मिलेगा, आप 5 ही लाख का क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए।